वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं आज आपको 7 नवंबर के द हिंदू के एनालिसिस में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहले पेज में हम आ गए हैं। यहाँ पे पहले हमारा यह है क्लाइमेट कंपनसेशन ऑन COP27 एजेंडा। COP27 का इतने दिनों से चल रहा है तो उसी से रिलेटेड फिर से यहाँ दिया हुआ है। डेलीगेट एट COP27 क्लाइमेट समिट इन इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट में। पुट डेलीगेट इशू वेदर रिच नेशंस शुड कंपनसेट पुअर कंट्रीज मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज ऑन द फॉर्मल एजेंडा फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे बात की गई है कि वेल्दी नेशंस जो हैं जैसे कि हैव रिजेक्टेड टॉक ऑन फंड दे गिव टू हेल्प पुअर कंट्रीज कॉप विद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो जैसे एक हिसाब से ये एजेंडा है कि जो रिच कंट्री जो वेल्दी कंट्रीज हैं वो हेल्प करें पुअर कंट्रीज़ को, जिससे जा कर के वो भी जो क्लाइमेट या क्लाइमेट से रिलेटेड या जो भी चेंजेस हैं वो सब चीज़ों को वो डील कर पाए, ठीक है। उसके बाद हम पेज नंबर 5 पे आएंगे। पेज नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें पढ़ना है इंडिया ब्लैक हनी बी इज इन वेस्टर्न घाट डिस्कवरी। तो इंडिया की जो यहाँ पे बता रहे हैं कि इंडिया की जो हनी बी है ब्लैक हनी बी वो वेस्टर्न घाट में दिखी। तो इसमें है न्यू स्पीसीज ऑफ एंडेमिक हनी बी हैज़ बीन डिस्कवर्ड। कहाँ डिस्कवर्ड हुई है? वेस्टर्न घाट पे। द न्यू स्पेसीज उसका नाम है एपिस करिनजोडियन, ठीक है, एंड गिव द कॉमन नेम इंडियन ब्लैक हनी बी। इसको नाम दिया गया है इंडियन ब्लैक हनी बी को, ठीक है। रिसर्च टीम बिहाइंड डिस्कवरी कंप्राइज शनस एस फ्रॉम केरला, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो फार्मिंग रिसर्च स्टेशन है। यहाँ पे मतलब सारे लोग का बताया जा रहा है कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। और इसमें है कि आफ्टर गैप ऑफ मोर देन 200 ईयर्स दैट न्यू स्पीसीज ऑफ हनी बी बीन स्पॉटेड इन वेस्टर्न घाट। मतलब 200 साल के बाद ये हनी बी वेस्टर्न घाट पे स्पॉट हुई है, ठीक है। और द लास्ट हनी बी जो डिस्क्राइब हुआ था इंडिया में वो एपिस इंडिका था, जो 1978 में हुआ था बाय फैब्रिसियस, ठीक है। ऑल दो फैब्रिसियस नेम इंडियन एपिस इंडिका, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड अ वैलिड स्पेसीज टिल नाउ। इसको वैलिड स्पेसीज अभी तक नहीं बताया गया, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और बात की गई है रेडियो मेडिकल इंडेक्स RMI की, ठीक है। तो ये था, इसमें हमें ये जानना है कि इंडियन ब्लैक हनी बी जो है वो वेस्टर्न घाट पे डिस्कवर हुआ है। इसके बाद हम आएंगे पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे हम आ चुके हैं। हमें इसमें पढ़ना है आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर द प्रोफेशन एंड नीड स्ट्रेंथनिंग, ये वाला हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम पेज नंबर 7 पे आएंगे। पेज नंबर 7 पे हम आ चुके हैं। इस पे हमें पढ़ना है द कॉन्टिन्यूइंग इंस्टॉलमेंट इन म्यांमार, ठीक है, ये वाला भी हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद हम पे जो ये हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट इन अक्टूबर पॉइंट टू ब्रॉडर कंसर्न, ये भी हमें पढ़ना है कि हेलीकॉप्टर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, जो कंसर्न्स हैं उससे रिलेटेड ये ध्यान देना है, ये भी एक बार पढ़ लेना है। पेज नंबर 8 पे हम आएंगे। इसमें हमें ये पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इससे रिलेटेड हमको अच्छे से डिस्कस करना है। तो इसमें देखते हैं बात क्या की जा रही है। इसमें बात की जा रही, देखो, इसमें गुजरात हैज़ ज्वाइन लिस्ट ऑफ BJP रूल स्टेट दैट हैव कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन यूनिफॉर्म सिविल कोड। गुजरात जो है वो BJP रूलिंग स्टेट है, वहाँ पे बात की गई इम्प्लीमेंट करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को। वाइल देयर इज़ नो ड्राफ्ट और मॉडल डॉक्यूमेंट येट फॉर UCC, पर अभी तक कोई भी मॉडल या कोई भी ड्राफ्ट नहीं तैयार किया गया है UCC के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। जो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉ दैट विल रिप्लेस द डिस्टिंक्ट पर्सनल लॉ ऑफ ईच रिलीजन, वो उनका कहना ये था। अब इसमें ये भी देखते हैं, क्लॉज जो है UCC का वो जनरेट करता है सब्सटैंशियल डिबेट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुआ था जब। अच्छा, हम ये तो सबने एम लक्ष्मीकांत या फिर पॉलिटी में कवर किया होगा कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, ठीक है। और जिसमें ये था कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल BR अम्बेडकर जी जो हैं
उन्होंने बोला, फेल दैट वाइल डिजायरेबल यूसीसी शुड रिमेन प्योरली वॉलेंट्री। उनका कहना था ये प्योरली वॉलेंट्री है और इनिशियल स्टेज पे रहता है, ठीक है, वॉलेंट्री होगा। और उन्होंने कहा कि इसमें क्या होगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब पे लागू करना, जो इसमें जैसे जिन उन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि जो इसमें इंक्लूड होना चाहते हैं उनका ये कहना है, क्योंकि ये जो यूसीसी है उनका कहना है कि शैल एंडेवर टू सिक्योर यूसीसी विच मीन्स इट वुड नॉट इम्पोज इट ऑन ऑल सिटीजन, उनका कहना ये है। अब इसमें देखो और बात क्या की जा रही है, ये भी आर्ग्यू किया गया, वाइल इंडिया डज नॉट हैव यूनिफॉर्मिटी इन मोस्ट क्रिमिनल एंड सिविल मैटर, तो इसमें बताया जा रहा है कि यूनिफॉर्मिटी बहुत सारे क्रिमिनल और सिविल मैटर्स में नहीं देखे गए, ठीक है। 100 अमेंडमेंट्स टू CRPC एंड IPC, सेवरल अमेंडमेंट्स जो थे सिविल लॉज के, तो सब में ऐसा नहीं है कि हर जगह जो क्रिमिनल प्रोसीजर और जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसमें यूनिफॉर्मिटी देखी गई हो। सिमिलरली लुकिंग एट द कोडिफाइंग पर्सनल लॉ ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया, ऑल हिंदू आर नॉट गवर्न्ड बाई होमोजीनियस पर्सनल लॉ, ये कहा जा रहा है कि सारे हिंदुओं को एक होमोजीनियस पर्सनल लॉ से नहीं गवर्न किया जा सकता, इवन आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल आया उसके बाद भी, नीदर आर मुस्लिम एंड क्रिश्चियन अंडर देयर पर्सनल लॉ, तो ये यहाँ पे बात की जा रही है। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स की हमें बात करनी है, यूसीसी की बात हो रही है तो हम आर्टिकल 44 की बात करेंगे, पार्ट फोर की बात करेंगे, आर्टिकल 44 जो कि कंटेन करता है पार्ट फोर में, ठीक है। तो इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, ओके। और इसमें एक चीज़ और याद रखना है, जो पार्ट फोर है कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आउटलाइन करता है जो DPSP है विल वाइल नॉट इन्फोर्सिएबल और जस्टिसेबल, मतलब ये ना ही इन्फोर्सिएबल ना ही जस्टिसेबल है कोर्ट ऑफ लॉ में, कि अगर इसका वायलेशन होता है तो कोर्ट ऑफ लॉ में कोई नहीं जा सकता, जैसे कि वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे डायरेक्ट जा सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, पहले तो वो हाई कोर्ट ही जाता है। अब इसमें हमें कुछ और याद देखना है, देखो इसमें एक हैं मेंबर हैं नजीरुद्दीन अहमद फ्रॉम बंगाल, उन्होंने आर्ग्यू किया सर्टन सिविल लॉज ऑल कम्युनिटीज़ वर इनसेपरेबल कनेक्टेड एंड रिलीजियस बिलीव एंड प्रैक्टिस, उनको कहना है कि UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वुड कम इन वे ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के समय 19 था, अभी जो कि आर्टिकल 25 है बोल रहे हैं उसका एक तरीके से मतलब उसको उसके रास्ते में आना होगा आर्टिकल 25 के, जो कि गारंटी देता है राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजियस सब्जेक्ट के लिए, पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपने मेंस में लिख सकते हैं अगर UCC से रिलेटेड आता है। अब इसमें देखो आगे है मेंबर के एम मुंशी जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था जो नोशन था UCC को लेके, उन्होंने बोला कि ये अगेंस्ट है हो सक ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अलाउड गवर्नमेंट टू मेक लॉ कवरिंग सेक्युलर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रिलीजियस प्रैक्टिस, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। अब B.R. अम्बेडकर जी ने क्या कहा कि उन्होंने एक एम्बीवैलेंट अपना स्टांस दिखाया UCC के लिए, उन्होंने बोला वाइल डिज़ायरेबल UCC शुड बी प्योरली वॉलेंट्री होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी पे फोर्सफुली थोपा जाए, UCC विच मीन्स इट्स वुड नॉट इम्पोज इन टू ऑल सिटीजन अमेंडमेंट टू प्रोटेक्ट पर्सनल लॉ फ्रॉम UCC वर इवेंचुअली रिजेक्टेड। देखो जब भी हम कोई आंसर राइटिंग लिखते हैं उसको इनरीच करने के लिए या उसको बहुत ही बेटर बनाने के लिए तो हमको कुछ जजमेंट का भी जिक्र करने की ज़रूरत होती है, जो कि द हिंदू में ऑलरेडी दिया हुआ है। देखो व्हाट हैव सुप्रीम कोर्ट सेड अबाउट द UCC, UCC के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वेरियस जजमेंट्स आए, तो इसमें देखो एक आया केस मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम जजमेंट 1985 में, जिसमें एक डाइवोर्स मुस्लिम वुमन थी जो डिमांड कर रही थी मेंटेनेंस अपने फॉर्मर हस्बैंड यानी कि जो उनके
पति हैं जिन्होंने उन्होंने डाइवोर्स लिया, उनसे वो मेंटेनेंस चाहती थी। कोर्ट वाइल डिसाइडिंग वेदर टू गिव प्रिवेलेंस टू सीआरपीसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी, वहाँ एक कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई कि क्या सीआरपीसी को किया जाए या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ जो उनका खुद का है उस पर। कोर्ट ऑल्सो कॉल्ड ऑन गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट, अब कोर्ट ने क्या कहा, गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूसीसी जो 1995 के सरला मुदगल जजमेंट है उसमें, और पोलो कॉन्टिनो और जो मारिया लुइजा वेलेंटिना का जो केस था 2019, वहाँ पे भी उन्होंने ये चीज़ बोली। अब देखो व्हाट हैज़ लॉ कमीशन से, लॉ कमीशन ने क्या कहा, मोदी गवर्नमेंट 2016 में रिक्वेस्ट किया उन्होंने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया टू डिटरमाइन हाउ टू फॉर्म अ कोड इन द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ पर्सनल लॉ, ठीक है। अब 2018 में लॉ कमीशन ने सबमिट किया 185 पेज का कंसल्टेशन पेपर रिफॉर्म करने के लिए फैमिली लॉ को। अब पेपर स्टेट करता है यूनिफाइड नेशन डिड नॉट नेसेसरी नीड यूनिफॉर्मिटी, तो यूनिफाइड नेशन का मतलब नहीं है कि उसमें यूनिफॉर्मिटी नेसेसरी हो। अपनी कंट्री जो है एक डाइवर्स कंट्री है, फिर भी हमारे पास एक यूनिफाइड, एक होता नहीं कि सब साथ में लेके चलते हैं भले ही वो डाइवर्स कंट्री ही क्यों ना है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, इन फैक्ट टर्म सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म की भी बात की गई है, हैड मीनिंग ओनली इफ असर्ट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ डिफरेंस कमीशन नोटिस, वाई सेइंग दैट यूसीसी इज नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज, ये कहना कि रिपोर्ट में कि रिपोर्ट रिकमेंड करती है डिस्क्रिमिनेट, सॉरी हाँ, दिस इज यूसीसी इज नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज, ये कहना है। और तो यहाँ पे एक चीज़ और है, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट स्टैंस, गवर्नमेंट का क्या है, यूसीसी इज़ लॉन्ग टाइम पोल प्रॉमिस ऑफ बीजेपी, यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है किरण रिजिजू, उन्होंने उनका कहना है, और गवर्नमेंट करेंटली हैड नो प्लान्स टू सेटअप पैनल, कोई भी अभी प्लान नहीं है सेटअप करने के लिए पैनल को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूसीसी, और रिक्वेस्ट 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया टू अंडरटेक एन एग्जामिनेशन ऑफ various issue related to same, the chairperson and member of the said law commission which are set up in 2021 have not been yet appointed, to ye the UGC's most important polity and governance. Next ye humne kiya, iske baad hume ye padhna tha, falcon heavy launch the most powerful operation rocket in the world, ye bhi hume padhna hai. Isme hai november 1 ko elon musk ki jo unhone own kiya hai spacex, उनका जो उनके द्वारा ओन किया गया स्पेस एक्स है वो लॉन्च कर रहा है फाल्कन हैवी रॉकेट जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। और इसमें बात की जा रही है ये कहाँ पे है, फ्रॉम द लॉन्च कॉम्प्लेक्स एट कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा यूएस में, और इसमें बात की जा रही है द कंपनी हेल्स दिस एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशनल रॉकेट इन द वर्ल्ड, दिस इज़ द फोर्थ लॉन्च, ये फोर्थ लॉन्च है जायंट रॉकेट सिस्टम का, फर्स्ट वन नियरली 3 ईयर्स सिंस इट्स लास्ट लॉन्च इन 2019। करंट मिशन की बात यहाँ पे की जा रही है USSF 44 की, और इसके जो है 2 स्पेसक्राफ्ट पेलोड हैं, टेट्रा 1 माइक्रो सैटेलाइट जो कि क्रिएट किया गया है फोटोटाइप मिशन से, और अदर है जो नेशनल डिफेंस पर्पस के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे और क्या बातें हुई हैं जो हमें देखनी है, जो हमें याद करनी है, जो हम लिख सकते हैं, ओके इससे आगे और भी जो भी है हम वो शॉर्ट नोट में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। इसके बाद हमको आगे आ जाना है, इसके बाद हमें देखना है कैमरा ट्रैप रीन्यू होप फॉर स्नो लियोपार्ड इन कश्मीर, फर्स्ट एवर रिकॉर्ड देखा गया रिकॉर्डिंग ऑफ स्नो लियोपार्ड कहाँ पे, बालतल जोजिला रीजन में, जो कि रीन्यूड होप फॉर द जो एक होप होता है इल्यूसिव प्रेडेटर के लिए, हायर एल्टीट्यूड ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख पे
ये चीज़ देखी गई, ठीक है। पिक्चर में देख सकते हैं स्नो लियोपॉड को, स्नो लियोपॉड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखना है हमें, क्या क्या पॉइंट याद रखनी है। जो फर्स्ट रिकॉर्ड देखा गया बालताल झूला एरिया में, ठीक है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। इसके बाद हमें आगे देखने हैं, देखो यहाँ पे है जो सर्वे है वो फोकस कर रही है नेबरिंग एरियाज़ पे, जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, ठीक है, कि वहाँ से भी उनको चीज़ें मिले। तो ये थी हमारी स्नो लियोपार्ड से रिलेटेड। एस्टिमेट पॉपुलेशन स्नो लियोपार्ड की देखी गई है 50 इन जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरा हमारा न्यूज़ है, ANSI बिल्ड ट्राइबल हट रिप्लेस टू हेल्प प्रिजर्व प्रमोट यूनिक हेरिटेज। सॉरी, ये वाला ऐसे ही हो गया है, पर ठीक है, जान लेते हैं इसमें क्या है। तो ये था हमारा आज का द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।